लगाने की, बहुत लोग कांग्रेस के जो समर्थक वकील हैं वो अभी तक इसको कहीं ना कहीं लटकाने भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम सब लोग आशान्वित हैं कि इस मसले का जल्दी फैसला होगा। इस देश में झूठ बोलने वाली पार्टी अगर नंबर एक की है कोई, तो उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। ये नारा दिए रामलला, हम जाएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। महाराष्ट्र में इलेक्शन हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है तकरीबन 15 नवंबर के करीब में, उस वक्त तक महाराष्ट्र हरियाणा के इलेक्शन हो जाएंगे, इसलिए लोग बयान दे रहे हैं। चीज सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और जल्दी जल्दी निर्णय होने वाला है और देश में पूरा हिंदू मोहम्मद इतना प्रेम से सबको नींद आ रही है, तो उससे इतना विश्वास बन ही चुका है कि हाँ काम हो जाएगा। तो क्या राम काज अब पूरा होने जा रहा है? आस्था का सवाल अब सुलझने जा रहा है, लेकिन सवाल ये भी है कि फैसले की घड़ी तो आ गई लेकिन इतना लंबा फासला किसकी वजह से हुआ? किसने सियासत की, किसने राम के नाम पर धोखा दिया और किसने समाज में बंटवारे वाली राजनीति को बढ़ावा दिया? आज की बहस इसी मुद्दों पर, जिसके लिए तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ अमित पुरी जी हैं, नेता बीजेपी हैं, रंजना अग्निहोत्री जी हैं, अध्यक्ष हैं हिंदू साम्राज्य परिषद की, वरुण सिन्हा जी हैं अधिवक्ता हैं, और हादी हसन अहमद हैं मुस्लिम स्कॉलर हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहले अमित पुरी जी आपके पास ही आएंगे। अभी आपने देखा किस तरह से राजभर जी भी कह रहे थे कि रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे तारीख नहीं बताएंगे, इसकी वजह से कोर्ट में मामला गया, अब फैसले की घड़ी है। उम्मीद संसमा जता रहा, बयानबाजी कुछ भी कहती हो, लेकिन आपको क्या लगता है फैसले के इस फासले का जिम्मेदार कौन? मुझे लगता है कि हम लोग इस मुद्दे पर कई बार चर्चा कर चुके हैं और मैं तुलसी बाबा के संदर्भ से एक ही बात कह सकता हूं, सभय नचावें राम गोसाई। तो ये राम जी की इच्छा थी कि जितने दिन से जो चीज जैसे चलनी है, लेकिन एक चीज बिल्कुल निश्चित थी और आज भी निश्चित है कि रामलला विराजमान जहां पर हैं, इसे न्याय के तराजू पर समय समय पर सन 1886 से आज तक तोला गया और न्याय का तराजू यही कहता है कि रामलला की पूजा अर्चना और उनके अस्तित्व को न्यायालय ने हमेशा स्वीकार किया, निर्बाध रूप से स्वीकार किया, अबाध रूप से स्वीकार किया। ये राम जी की इच्छा थी, ये सब ये सारी चीजें राम जी की इच्छा थी या फिर सियासत भी जिम्मेदार? अगर आप नास्तिकवादी हैं तो प्रभु को नहीं मानते हैं, लेकिन अगर आप आस्तिकवादी हैं तो जो कुछ घटित होता है ईश्वर की, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लीला। हाजी हसन साहब बताइए साहब, राम जी की इच्छा थी या फिर बंटवारे वाली राजनीति थी जिसने रोड़ा पैदा किया, जिसकी वजह से आस्था का इतना बड़ा सवाल अनसुलझा रहा, विवाद होते रहे, मजहब का बंटवारा होता रहा? देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम, भगवान श्री राम के नाम पर अपनी इच्छा थोपना ये कहीं से उचित नहीं होगा। ये भारतीय जनता पार्टी की इच्छा तो हो सकती है, लेकिन ये कहना कि जो कुछ भी घटा वहां पे वो राम जी की इच्छा थी, इससे कोई भी दुनिया का कोई भी एक व्यक्ति इसका जो है समर्थन नहीं, इत्तेफाक नहीं रखेगा। बिल्कुल, इसका इससे कोई भी इत्तेफाक नहीं रख सकता। हाँ, भारतीय जनता पार्टी की ये इच्छा हो सकती है, ये उनकी इच्छा हो सकती है कि इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप हम सरकार में आएंगे, फिर से सरकार जाएंगे, फिर बनाएंगे, फिर आएंगे, फिर वादा करेंगे, ये सियासी नारा तो हो सकता है, लेकिन ये कहना है कि जो कुछ घटा। अमित पुरी रिस्पॉन्ड करिए। एक छोटी सी बात कह रहा हूं बड़े अदब के साथ हाजी हसन साहब से, आप कलमा पढ़ते हैं, मैं तर्जुमा बता देता हूँ हुजूरे वाला, अल्लाह के सिवा दूसरा कोई माबूत नहीं है, इस अकीदे पे आप कायम हैं? बिल्कुल कायम है। तो बस अगर आप अपने अकीदे पे कायम हैं तो मैं अपने अकीदे नहीं, तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, ठीक है, ला इलाहा तो तर्जुमा जो अल्लाह के सिवा कोई माबूत नहीं है, और नहीं है कोई सिवाय मोहम्मद के, मोहम्मद उसके रसूल है, मोहम्मद उसके रसूल है, लेकिन इसने जो घटा उसमें रामलला की अकीदे पे कायम हूं, इच्छा कैसे हो गई? बिल्कुल अपने अकीदे पे कायम हूं। बिल्कुल आपकी आस्था को सलाम करते हुए अमित पुरी जी, फिर आपने उसे आंदोलन क्यों बनाया? अगर राम की इच्छा होती जब तय वक्त होता तो सब काज अपने आप होते, फिर आपने उसे सियासत में क्यों बनाया? ये भी प्रभु की इच्छा, सियासी लाभ लेने के लिए कोशिश की गई। आज ये इसमें भी प्रभु की इच्छा थी, बता तो दिया कि भारतीय जनता पार्टी इसका बार बार दोहन करे,
भारतीय जनता भय की बात कहां से आ गई इसमें? भय लोक भय, आप डरा रहे थे राम मंदिर के नाम लोगों को डरा रहे थे, लोक विश्वास लोक जागरण ये है भय। कोई हथियारों का है कहीं से श्री राम किस तरह की भय की बात कर रहे हैं हाजी हसन साहब? ये चुका है कि यही लोक भय बन गए हैं, 125 करोड़ हिंदुस्तानियों में सारा ठेका इन्हीं के पास। अच्छा तो देरी हुई क्यों फिर आप बताइए ना हाजी हसन साहब, आप बताइए देरी हुई क्यों? देखिए ये विवाद क्यों विवाद बना हुआ है? अल्लाह को महबूद मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल तो जो कुछ होता है वो उसकी मसलात है कि नहीं? नहीं, अगर उसकी मसलात है, अगर उसकी मसलात है तो मैंने कह दिया तो कौन सी बात है? अरे साहब आपने पहले कुछ और कह रहे थे, ये बात आपने पहले नहीं कही थी और छोड़ नहीं, बिल्कुल कौन सी नौबत कर दी? बिल्कुल ये गलत है अगर जो कहे कि अल्लाह की मर्जी है आसमान यहाँ बैठा हूँ कहे तो नहीं, ये क्या है अब फैसला आने वाला है कि ये सब राम पे नाम पर रंजना जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रंजना जी आप बताइए जिस तरह से यहाँ पर जिद की बात हो रही है, सबके अपने अपने दावे हैं, कह रहे हैं कि राम का जो था और राम की इच्छा थी जब होगा तब होगा, लेकिन जिस तरह से देरी हुई, जिस तरह से मामला कोर्ट में लंबा खींचा, जिस तरह से विवाद की स्थितियां बनी हुई, आपको लगता नहीं कि कोर्ट के बाहर भी इसका समाधान तलाशा जा सकता था? कोर्ट की कहानी तो बहुत बाद में आई। देखिए शैलेन जी समय से बड़ा कुछ भी नहीं होता है, हर चीज समय अपने हिसाब से करता है और हर एक घटना का एक निश्चित समय है। अमित पुरी जी ने जो बात कही है उसमें कहीं भी कोई शक संदेश नहीं है। यहाँ प्रश्न इस बात का है कि हमारी उस आस्था को कानून की कसौटी पर कसा गया जो हमारे शास्त्रों पुराणों के आधार पर कहा गया है कि अयोध्या मोक्ष की विफलता थी। हमारे आस्था का प्रश्न था, जो बहुसंख्यक आबादी की आस्था का प्रश्न कसौटी में कौन डिस्टर्ब कर रहा है? पूरी बात तो करने दीजिए। अब अयोध्या मोक्षदायिनी नगरी क्यों है? क्योंकि वहाँ भगवान श्री राम का जन्म हुआ है और वो जन्म भूमि स्वयं पूज्य देवता है और इसमें जो देरी हुई वास्तव में उसके लिए हम और आप कहीं कहीं थोड़े बहुत जिम्मेदार हैं, क्योंकि मुकदमा अदालत में चल रहा था, कोई पार्टी जिसमें मुस्लिम पक्ष कहने में मुझे कहीं भी कोई संकोच नहीं है, इनकी तरफ से बार बार दलीलें आती थी कि इसकी सुनवाई टाल दी जाए, 2019 के बाद हो, फला के बाद हो, ढिका के बाद हो, तो दोषी तो वो है जो बार बार मुकदमे को बढ़वाता है, हम थोड़ी दोषी, हम तो इंतजार कर रहे हैं विफलता मान ली कि कहीं ना कहीं यही दोषी है का हम और आप, तो आप हो सकती है क्योंकि अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट में आप है, जब अधिवक्ता आप है तो आप दोषी जरूर हो सकती है, दूसरे नहीं हो सकते, अपनी कमी कोर्ट में जब मामला पहुंचा तो वहां पर दोषी नहीं हुई ना साहब, रंगे अमित पुरी जी रिस्पॉन्ड करिए, अमित पुरी जी वाला भी दोषी होता है, आपका अत्याचार सहते रहे इसलिए कहीं ना कहीं हम भी दोषी हैं। आप अभी बड़ी चर्चा कर रहे थे इस बात की न्यायालय के बाहर इसकी चर्चा क्यों नहीं हुई। मैं रामायण का ही एक संदर्भ देता हूँ, ईमानदार कोशिश नहीं, मैं तो ईमानदार कोशिश की बात पे आ जा रहा हूँ, जो आप कह रहे हैं आप ही की वोकैबुलरी बॉय कर ले रहा हूँ, जो आपके शब्द है उनको स्वीकार करते हुए उत्तर दे रहा हूँ। राम रावण संघर्ष के पूर्व अंगद को भेजा गया था, राम दूत बना के भेजा गया था, प्रयास किया गया था, ऐसे ही सैयद शहाबुद्दीन उस देश के प्रधानमंत्री के पास गए थे कि खुदाई में प्रमाण मिल जाएंगे तो हम स्वीकार कर लेंगे। रावण के दरबार में पूछ पे आग हनुमान के भी ना लगी होती तो लंका का दहन ना हुआ, पूरी रामलीला आपने देख और अगर मान लिया होता सैयद शहाबुद्दीन ने जो कहा था इस देश के प्रधानमंत्री से कि खुदाई में प्रमाण मिलेंगे तो स्वीकार कर लेंगे, एएसआई की खुदाई के अंदर प्रमाण मिल गए, स्वीकार कर लेना चाहिए था, आप बैक ट्रैक कर गए। ये अमित पुरी नहीं कह रहे हैं, ये पीएमओ के डॉक्यूमेंट कह रहे हैं ऑन रिकॉर्ड, बताइए हाजी हसन साहब किया था प्रधानमंत्री, जो सुप्रीम कोर्ट फैसला देने वाला हाजी हसन साहब मेरा सवाल ये, आपको नहीं लगता कि मुस्लिम समाज को भरमा के रखा गया जब तथ्य यहाँ पर सामने आ चुके थे, बावजूद इसके उनकी जिद को और बढ़ावा दिया गया, जबकि वोट बैंक की राजनीति शैलेंद्र, तो ये तो दोनों तरफ से है ना साहब, ये तो दोनों तरफ से, इतना आज कितना अंधकार हो गया है कि
जो 6 दिसंबर को सारी दुनिया ने मस्जिद की शहादत को देखा, आज उस मस्जिद के वजूद पे सवाल उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल, कोर्ट ने उसे सवाल ही होना है, कोर्ट के मांगने से क्या, कोर्ट के मांगने से क्या, मस्जिद नहीं था, मस्जिद शहीद थी, उन्होंने एक ईंट लेके गए, मस्जिद की ईंट है, कोर्ट मत कीजिए, विभाजन ढांचा का है, बिल्कुल नहीं, और अगर मस्जिद का है तो कोर्ट का एक जजमेंट दिखाइए, ठीक है, विभाजन ढांचा का, बिल्कुल नहीं, मस्जिद को विवादित स्टेटमेंट है बनाया है। अरे अभी ये बताइए, अभी छोड़िए सारी बातें, बताइए जो फैसला आ रहा है उसको मानेंगे कि नहीं, क्योंकि आप मानेंगे सर, आप मानेंगे, छोड़ते चलो, इंशाल्लाह फैसला हमारे हक में आएगा, आपके हक में आएगा, किसके हक में आएगा, ये वरुण सिन्हा जी बताएंगे, वरुण सिन्हा जी है, वरुण सिन्हा जी संविधान पे और यहाँ की न्याय, ठीक है साहब, सबको यकीन है, सबको यकीन है, सबको यकीन है, लेकिन यकीन में होने क्या जा रहा है ये वरुण सिन्हा जी बताएंगे। वरुण सिन्हा जी, आपने सबकी बातें सुन ली, हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर कोर्ट से अब क्या तय होने जा रहा है, और आपको लगता है क्या है, किसकी जिद थी, किसकी जिरह में यहाँ पर कमी रह गई, और नतीजे अब किस तरह के आने वाले हैं, और कैसा विभाजन था जिसने इस विवाद को इतना ज्यादा बढ़ा दिया। देखिए ऐसा है कि ये कहना भी बहुत मुश्किल है कि फैसला क्या होगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, संतुलन साधने की कोशिश की जाएगी, दोनों पक्ष के द्वारा जो आप बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ऐसा है कि जो भी दलीलें दी गई हैं उसके गुण दोष को ध्यान में रखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आएगा। यह लेकिन जो आर्गुमेंट के दरमियान जो मुस्लिम पक्ष की जो दलीलें हुई है और मुस्लिम पक्ष ने जिस तरह से स्वीकार किया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कि जो सेंट्रल डोम है उसमें रामलला विराजमान थे, ये बात मानी है, बिल्कुल मानी, बिल्कुल नहीं मानी, बिल्कुल नहीं मानी। वरुण सिन्हा जी कह रहे हैं उन्होंने कोर्ट की सारी कहानी देखी है, वरुण सिन्हा जी क्या झूठ बोलेंगे क्या टीवी पे बैठ के, आप इस तरह की बात कर रहे हैं, अगर आपके वकीलों ने माना उनसे आप पूछिए, मानी कहां मानी, वरुण सिन्हा जी से सवाल है मेरा किसने मानी और कहां मानी। अरे साहब वो झूठ थोड़े बोलेंगे, तो देख रहा हूँ बोल रहे हैं, तो सच कहाँ बोल रहे हैं, दीजिए हमको क्या बोल रहे हैं, जब मैं कहाँ मारी, तो फिर अगर सब मान ही लिया तो वरुण सिन्हा जी फैसला भी सुना दे, करने दे मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दे, बताइए साहब। और जब जफरयाल जिलानी साहब अपने आर्गुमेंट में उन्होंने इस बात को माना और दूसरे दिन उन्होंने कोर्ट को फिर मेरे कान का, उन्होंने अदालत से कहा कि मैंने जो प्रीवियस डे स्टेटमेंट दिया था मैं उसमें थोड़ा करेक्शन करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे कान की सर्जरी होनी थी और सुनवाई शुरू हो गई, इसको वजह से मैं अपनी कान की सर्जरी नहीं करवाया। तो जब मुस्लिम पक्ष ने यह मान लिया है कि 23 दिसंबर 1949 की रात से रामलला विराजमान है उस सेंट्रल डोम में, तो अब उनका यह कहना कि वहां वो उनकी जन्म स्थान नहीं है, जन्म स्थान की भूमि नहीं है, यह अपने आप में कॉन्ट्राडिक्शन है। अब बताइए हाजी हसन साहब, आप बताइए, जब आपके पास दलीलें नहीं थी, आपके पास मजबूत पक्ष नहीं था, अरे साहब कान की सर्जरी करा देते, इस तरह की दलीलें देंगे क्या आप कोर्ट में जाके, मजबूत पक्ष रखना चाहिए था अगर ये चीजें थी, कान की सर्जरी नहीं करा पाए, ये सब बातें रखेंगे, पहले दिन कुछ और कह रहे थे, दूसरे दिन कुछ और कह रहे थे, पहले राम चबूतरा को जन्म स्थान आपने माना, बिल्कुल नहीं माना, उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम का जन्म हुआ है, तो ये तो सारी दुनिया, अरे साहब राम चबूतरा को भी माना, जहाँ पर आप कम बता रहे हैं, जो बता रहे हैं कि सेंट्रल ऑफ डोम की बात जो कर रहे हैं वो वही है, ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं, ऐसा किसी ने नहीं माना, राम चबूतरा को उन्होंने पहले दिन जन्मस्थान माना, दूसरे दिन उन्होंने डिनाई कर दिया, साहब आपके पास ना तथ्य है ना साक्ष्य है, सारे प्रमाण जो है राम मंदिर बता रहे हैं, अमित पुरी जी रिस्पॉन्ड करिए। एक चीज बता दूं, 1949 की बात को लेकर के कोर्ट में सूट गया था और फिर हाईकोर्ट में लेटर ऑन 1950 में गया, कैमरा देखिए, और इंजंक्शन सूट के अंदर ये प्ली की गई कि यहाँ पर ये मूर्तियां जबरदस्ती रखी गई है, पूजा अर्चना स्टॉप कर दी जाए, ये पहले मामला हुआ। न्यायालय ने 1949 में भी लोअर कोर्ट ने और 1950 में हाई कोर्ट ने लेटर ऑन 1955 में हर जजमेंट के अंदर इंजंक्शन छूट के ऊपर रोक लगाने से इनकार कर दिया और रामलला विराजमान के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए पूजा अर्चना को निर्बाध जारी रहने दिया, दफाओ आज तक पूजा चल रही है, इसके बाद भी कोई अपना अपना गाल जजमेंट के अंदर अगर मैं गलत कह रहा हूं मुकदमा कोर्ट गलत कर रहा कोर्ट में कोर्ट हो रही थी कोर्ट की
तोड़ के रह रहा है उसी मस्जिद में, जहाँ बारह भगवान की मूर्ति हो वहाँ नमाज अदा हो ही नहीं सकती। वहाँ पे पार्टी हाजी हसन साहब नमाज हो रही, क्या था क्या नहीं था क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हाजी हसन साहब, हाजी हसन साहब, अमित पुरी जी, क्या था क्या नहीं था ये सारी चीजें अब कोर्ट में, मैं तो कोर्ट के जजमेंट के हवाले से कोर्ट कर रहा हूँ। लेकिन मुझे ये बताइए, एक लाइन बताइए 1950 के जजमेंट में इंजंक्शन सूट अलाउ हुआ क्या, अलाउ हुआ अलाउ हुआ हाई कोर्ट में, अलाउ हुआ रुकी हाई कोर्ट में, अलाउ हुआ नमाज होती रही, केस चलता आपका मामला बेसर बात कहना नहीं। हाजी हसन साहब मुझे जवाब दीजिए, आपका मामला प्रॉपर्टी का है, आस्था का है, पूजा अर्चना का है, या फिर मजहब में अविश्वास का है। देखिए हमारा मामला आस्था का भी है, प्रॉपर्टी का है, और मजहबी तनसीबात को रोकने और मस्जिद को शहीद करने का भी है, मस्जिद को शहीद करने का बिल्कुल, और मंदिर तोड़कर और जिसे मस्जिद जन्म स्थान बताते थे, जिसे मस्जिद जन्म स्थान बताते थे, तो जन्म स्थान की कौन सी मस्जिद होती है, किसका जन्म स्थान था, देखिए किसका जन्म स्थान था, जगह के किसका जन्म स्थान था, जगह के किसका जन्म स्थान था, किसका जन्म स्थान था, मीरबाकी का या भावर का, किसका जन्म स्थान था, किसका जन्म स्थान था, मीरबाकी का कि भावर का, किसका जन्म स्थान था जाती है। अभी आप कह रहे थे हाजी हसन साहब, आप कह रहे थे कि अल्लाह की मस्जिद होती है इनिशियल कोड के अंदर, आप उसे बाबरी मस्जिद क्यों बता रहे हैं, फिर आप उसे बाबर के नाम से जोड़कर क्यों जोड़ रहे हैं, इनिशियल कोड के नाम से जोड़ रहे हैं, क्रांता से आपको इतना लगाव क्यों है, फिर इनिशियल सूट में मस्जिद जन्म स्थान लेके गए। और सुन लीजिए, वो अगर स्थान वक्फ होता तो उसका मुतवल्ली उसकी रिट के अंदर जाता, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का इशू ही टाइम बोर्ड है, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का इशू ही टाइम बोर्ड है। ये सारे सवाल हैं, यही जिद थी जिसकी वजह से जिद है, आप तो 1961 में गए थे, हमारे सूट है आपका, हमारे साथ जगत गुरु राम दिनेशाचार्य जी भी सीधे मस्जिद जन्म स्थान के गए, अमितपुरी जी राम दिनेशाचार्य जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जगत गुरु हैं, वेदों के जानकार हैं, धर्म के जानकार हैं। राम दिनेशाचार्य जी आप ये बताइए कि सामाजिक बदलाव की एक लंबी परपाटी बीत चुकी है जब से राम मंदिर का मसला शुरू हुआ, लेकिन बावजूद इसके समाधान के रास्ते क्यों नहीं तलाशे जा सके, बाधाएं किस तरह की थी, आपको अयोध्या की भी समझ है, आप बताइए साहब अयोध्या की जरूरत क्या कहती थी और क्या नहीं हुआ। देखिए अयोध्या जो है वो तो निश्चित रूप से तैयार है कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई टकराव ना हो, लेकिन इस मुद्दे को वैश्विक बना दिया गया और इसी का ये कारण हुआ कि इतने लंबे अरसे बाद भी आज भी इस पर कोई निर्णय नहीं आ पा रहा है। अब हमें कोर्ट का शरण इसलिए लेना पड़ा क्योंकि हमारी सारी समझौताएं रद्द हो गई। देखिए थोड़ा हर आदमी को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है अगर परिवार समाज राष्ट्र को लेकर के चलना है। आप जानते हैं कि मस्जिद पूरे भारत में है, पूरे विश्व में है, लेकिन राम मंदिर केवल अयोध्या में है, तो हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ अगर रहते हैं, ये भारत की सुंदरता है, तो मैं तो मानता हूँ कि एक मौका था, ये मामला वहां तक जाने ही नहीं देना चाहिए था, बिल्कुल तो हमें मान लेना चाहिए था, जी हमें मान लेना चाहिए था कि हमें वहां राम मंदिर है वहां बन जाए, अगर एक आक्रांता ने आके एक गलती करके वहां गिरा करके मस्जिद बना दिया तो बड़ा दिल दिखाकर हमारे मुस्लिम भाइयों को कहना चाहिए। आप यहाँ बताइए हाजी हसन साहब, आप बड़ा दिल नहीं दिखाते, बड़ी जिद लेकर क्यों घूम रहे हैं साहब, बताइए राम ही रहने दीजिए, हिंदुस्तान का दस्तूर यहाँ के दस्तूर से, हिंदुस्तान का निजाम यहाँ के दस्तूर से चलता है, हमारे दिल से हमारी आस्था से नहीं चलता और न चलेगा कभी, यहाँ की दस्तूर नहीं 1886 से आज तक वही रामलला के हिसाब से स्वीकार आएगा, पूजा अर्चना दी है दस्तूर के हिसाब से, दस्तूर नहीं दिए तो फिर इंतजार कर लिए, आप दस्तूर नहीं दिए, आप ये नहीं सोच रहे कि अयोध्या का क्या होगा, अयोध्या की पहचान का क्या होगा, राम दिनेशाचार्य जी अरे अयोध्या की पहचान तो 6 दिसंबर को मिटा दी गई, क्यों अयोध्या की पहचान कर दिया, अयोध्या की पहचान बाबरी मस्जिद से थी, कंटेंचुअस स्टेटमेंट दे रहे हैं लगातार उसे विवादित राज्य को मस्जिद बता के, पूरे विश्व के लिए एक मानवतावाद की स्थापना करने वाले हैं, यदि आप मनुष्य बनना चाहते हैं तो आप चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो ईसाई हो, एक आदर्श जीवन और एक परिवार में किस प्रकार से अपने जीवन को पालित किया जाए इसके लिए भगवान
तो मेरा सवाल यही है राम दिवेशाचार्य जी, मेरा सवाल यही है कि जब राम दर्शन थे तो आखिर उनके नाम पर ये प्रदर्शन क्यों हुए, ये आंदोलन क्यों हुए, और हाईकोर्ट से फैसला आने के बाद की भी अयोध्या आपने देखी है और सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने की तैयारी है, तो अयोध्या की रंगत क्या कहती है? अयोध्या की रंगत तो बहुत अपने रौ में आनंद में है, लेकिन कुछ लोगों ने इसको बरगलाने का काम किया है और अभी भी बरगलाया जा रहा। जी निश्चित रूप से अयोध्या जो है, जो अयोध्या के नाम से ही प्रचलित है, जहाँ कभी युद्ध ना हो और वहाँ के नाम पर इतने युद्ध हुए, इतने नरसंहार हुए, इतने लोग परेशान हुए, तो यहाँ की दिशा और दशा दोनों बदल दी गई है, क्योंकि दोनों में पूरी तरह से तटस्थ हो गए लोग, कुछ उग्रवादी टाइप के, कि इस भारत की परंपरा जो अखंडता एकता सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे दिया, और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं में हुआ है कि अयोध्या के रिस्पॉन्ड करिए। नहीं बिल्कुल जगतगुरु सही कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने यही किया है, कुछ लोग कौन है साहब, कुछ लोग कौन है, वही राजनीतिक पार्टी है जो बार बार इस मुद्दे का राजनीतिकरण करती है। बिल्कुल आप गलत बता रहे हैं। नहीं गलत क्या, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की अयोध्या में एक मस्जिद को एक भीड़ द्वारा शहीद कर देना, ये कहाँ का होता, ये कहाँ का नियम था? जो मर्यादा पुरुषोत्तम सारे विश्व में जाने जाते हैं उनकी नगरी में एक मस्जिद को शहीद कर देना एक भीड़ के द्वारा, ये कहां का लिया आया था? ये कहां का लिया आया था? अयोध्या की पहचान प्रभु श्री राम से है, ये एक सांस में कहते हैं, और दूसरी सांस में ये भी कहते हैं कि अयोध्या की पहचान 6 दिसंबर को मिट गई बाबरी मस्जिद के मिसमार होने। बिल्कुल कलंकित कर दिया, न्यायालय ने उसे विवादित ढांचा माना, मस्जिद नहीं माना, बिल्कुल नहीं माना, वो इतनी न्यायालय ने कभी उसे मस्जिद स्वीकार नहीं किया, आज तक नहीं किया, स्वीकार नहीं किया, न्यायालय ने स्वीकार नहीं किया। वरुण सिन्हा जी क्लियर कर देंगे, वरुण सिन्हा जी जो यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं हाजी हसन साहब, क्या कोर्ट में यही स्थिति है? निश्चित रूप से तभी तो हमको लगता है ये नहीं नहीं, जो जो हाजी हसन साहब का जो भी बयान है वह जो कोर्ट के समक्ष जो कागजात हैं, जो एविडेंस हैं, जो प्लीडिंग है उससे बिल्कुल अलग है। हाजी हसन साहब के बयान से कोर्ट में जो प्रोसीडिंग चल रही है उसमें काफी भिन्नता है, और इनके इनके जो भी अल्फाज हैं वो राजनीति से प्रेरित प्रतीत होता है, प्रेरित है। मैं आपको बताऊं, ये लग रहा है बिल्कुल साफ, आप किसके बारे में बता रहे हैं? वक्त की कमी है। रंजना जी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। रंजना जी आप बताइए कि फैसला आने वाला है, लेकिन फैसले के आगे की राह आपको क्या लगती है? हाईकोर्ट से भी फैसला आया था और उसके बाद अड़ंगे आ गए, आपको लगता है इस बार फाइनल तस्वीर बनेगी? देखिए देश की सर्वोच्च न्यायालय है और मुकदमा इनके सामने लंबित है, सर्वोच्च न्यायालय का जो भी आदेश होगा वो भारत सरकार के ऊपर बाइंडिंग होगा, सर्वोच्च न्यायालय जो भी आदेश करेगा भारत सरकार की मजबूरी होगी और भारत सरकार को उस फैसले को मानना पड़ेगा, साक्ष्यों प्रमाणों के आधार पर फैसला आने वाला है, भारत सरकार को मंदिर बनवाना ही पड़ेगा। मुस्लिम पक्ष के सारे दलीलें खारिज हो गई हैं जो इनके दावे थे, राम मंदिर की आस पूरी होगी संत समाज की, आपको लगता है ऐसा? देखिए मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ, राम भक्त हूँ, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि मुकदमा हम जीतेंगे। हाजी हसन साहब बताइए साहब, अभी भी आप कीजिए जो फैसला है उसे मानेंगे? हमें हिंदुस्तान के संविधान और यहाँ की अदलिया पे पूरा भरोसा है, हम बिल्कुल अगर ये मुकदमा जीतेंगी तो इन्हें मुबारक हो। आप तो भी करते हैं इंशाल्लाह हम जीतेंगे, बिल्कुल हमें यकीन है, से नहीं रखा। मैं कह रहा हूँ मुझे पूरा यकीन है कि हम ही जीतेंगे, लेकिन अगर हमारी बहन अधिवक्ता इतनी मेहनत की है इन्होंने, इनको विश्वास है, बिना मेहनत के लिए गए थे क्या? मुबारक हो, रिस्पॉन्ड करिए। हमें हम हक के लिए गए थे और हक के लिए खड़े हैं, और बहुसंख्यक आबादी का हक नहीं था। अमित पुरी जी एक लाइन में कह दूं, अयोध्या के अंदर उस जगह पर राम जिस स्थान पर मंदिर है
मंदिर था और मंदिर ही रहे। देखिए इन्हीं ने कह दिया कि कोर्ट का फैसला ये नहीं मानेंगे, ये कोर्ट का निर्णय क्या बता रहे होंगे। 18 मार्च 1889 से आज तक मंदिर हम लोग बैठे होंगे और यूटर्न ले चुके होंगे, निर्माण यूटर्न ले चुके होंगे, यूटर्न बिल्कुल लेंगे, निश्चित कहा गया मंदिर ये तो रहेंगे, ये मंदिर ही रहेगा, नहीं मानेंगे, ये कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे, मंदिर हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान कोर्ट का फैसला जो भी आएगा उसको क्यों आपने लगा है ये तो बताइए। लेकिन ये लोग कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे, ये कैसे आपने कह दिया साहब? कोर्ट का फैसला तो कहां कोर्ट का फैसला मानू वाले लोग बता रहे हैं, ये साहबानों वाले लोग बता रहे हैं, साहबानों वाले लोग बता रहे हैं। सबरी माला भी देखा है हमने, सबरी माला भी देखा है, मान गए थे क्या तीन तलाक पे? तो आपने जो मोर्चा खोल दिया था, बिल्कुल नहीं खोला था, सबसे पहले मानने वाले आपके स्टूडियो में हम नहीं कह रहे हैं, अपने जैसा समझ रहे हैं, इनकी भावना है कोर्ट के फैसले का, बिल्कुल हम आपको अपने जैसा नहीं समझे, हम आपको कहा आप कहां हम बिल्कुल आपको अपने जैसा नहीं समझते, बिल्कुल नहीं समझते। फैसला आने का इंतजार सभी को और उसी के बाद तय होगा कि राम मंदिर का क्या होना है, राम मंदिर आंदोलन का क्या होना है। फिलहाल आज की बहस में इतना ही, तमाम मेहमानों और दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।